हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे आज हम बनाएंगे रसमलाई इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे आज हम आज हम इसमें वही सामान यूज करेंगे जो लगभग सबके घर में ईजली मिल जाता है और इसे आप काउ मिल्क से बना सकते हैं या फिर काउ मिल्क से बहुत ही स्पंजी बनता है अगर आपके पास नॉर्मल कॉमिल्क ना मिले तो आप पैकेट वाला भी दूध यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे हमने दो लीटर पैकेट वाला दूध ही लिया है उसके लिए हमने यहाँ पे उस भगोने में दो स्पून पानी डाल के पैकेट वाला दूध भगोने में डाल दिया इसे अच्छे से पकने दें इसमें हमें ज़्यादा पकाना नहीं है बस एक उबाल आने तक पकाना है या वो एक उबाल आने के बाद इसे ठंडा होने दें फिर हमें दूध को फाड़ने के लिए यहाँ पर चार स्पून नींबू का रस लिया है और चार स्पून ही पानी लिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लें यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा सा जो नींबू और पानी का मिक्स तैयार किया था उसमें डाल के हम दूध को फाड़ लें यहाँ पे हमारा दूध बहुत ही अच्छा फट चुका है छेना बन चुका है इसमें हमें उस पर एक कपड़े से उसे छान लेना है यहाँ पे हम मेरे पास का ज़्यादा छेना था तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके ही छाना है यहाँ पे इसे अच्छे से छानने के बाद इसे हमने नॉर्मल पानी से धुल लेना है नॉर्मल पानी से धुलने से इसमें जो खट्टापन रहेगा नींबू की वजह से वो आसानी से निकल जाता है वरना उस खट्टापन रह जाता है फिर इसे अच्छे से दबा के इसका सारा पानी निकाल लेना है और फिर इसे आप एक घंटे तक टांग के रख देंगे तो इससे सारा पानी आसानी से निकल जाता है एक घंटे के बाद यहाँ पे हमारी छेना बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुई इसे हथेली से अच्छे से मसलना और सारा टाइम तो यही लेता है इसमें आपको पाँच छः मिनट आसानी से आराम से लग जाएंगे फिर यहाँ पे हमने एक स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है इस रसमलाई में बाइंडिंग आई इसे भी अच्छे से मसल लेना है पहले हमें एक पेड़े बना के देख लेना है अगर इसमें बिल्कुल भी क्रैक ना आए तो हमारे रसमलाई के पेड़े बनाने के लिए तैयार है इसमें हल्का सा क्रैक आ रहा है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चाशनी बना लेते हैं दो कप चीनी लिया है और चार कप यहाँ पे हमने पानी लिया है इसे अच्छे से पकने देते हैं और इसमें थोड़ी सी क्रैक आ गया था तो इसलिए हमें थोड़ा सा और मसल लिया है मसलने के बाद इसे छोटे छोटे गोले बना लें यहाँ पे अब हमारे रसमलाई में बिल्कुल भी क्रैक नहीं आ रहे हैं इसलिए हमें सबसे पहले एक रसमलाई को डाल के चाशनी में उसे पकाना है उसे चेक करना है कहीं हमारी चाशनी में जाके हमारी रसमलाई खुले ना तो उसके बाद हमने यहाँ पे अपने सभी रसमलाई को बना लेते हैं जब तक हमारी रसमलाई पक रही है यहाँ पे हमारे जितना हमने डालना था उतना हमने रसमलाई को गोले बना लिया है यहाँ पे हमारी रसमलाई डबल हो चुकी है उसके बाद एक एक करके हमें सभी गोलों को चाशनी में डाल के पकाना है यहाँ पे हमने अपने सभी गोलों को चाशनी में डाल दिया यहाँ पे हमारी रसमलाई डबल हो चुकी है फूल के <laughs> इसे बनाना बहुत ही आसान है और इस ईजिली आप अपने घर पे आराम से बना सकते हैं यहाँ पे हमारी रसमलाई पंद्रह मिनट तक इसे पकने के बाद हमारी रसमलाई पक चुकी है हमारे पास कोई बड़ा बर्तन नहीं था इसलिए हमने सभी रसमलाई को एक छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है अब उसे ढककर ठंडा होने दें जिस बर्तन में हमने रस मलाई को चाशनी में पकाया था उस हमने रबड़ी बना लेनी है उसके लिए हमने यहाँ पे एक लीटर दूध लिया है इसे अच्छे से पकाना है उसमें अगर आपके पास केसर ना हो तो आप हल्दी डाल दीजिए क्योंकि जनरली सबके घर में केसर अवेलेबल नहीं होता है ना तो इस फ्लेवर के लिए हमने यहाँ पे एक स्पून इलायची डाल दिया है इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता और हमें अब दूध को थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाना है यहाँ पर हमारे रबड़ी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है फिर हमें रसमलाई को चाशनी से निकाल कर रबड़ी में डालना है इसी तरह हमने अपनी सभी चाशनी को निकाल कर रबड़ी में डाल के इसे ढककर ओवरनाइट के लिए रख दें या फिर एक दो घंटे के लिए भी आप रख दें यहाँ पे हमारी थोड़ी सी रसमलाई बच गई इसे हम आप चाहें तो एक हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे हमारी बहुत ही अच्छी रसमलाई बनकर तैयार हुई है और ये बहुत ही टेस्टी बनी है आई होप अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू बाय